hearts. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't. देखिए ये जल जंगल जमीन के मुद्दों को लेकर के हेलन में 15 जुलाई 2022 को जो चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक में है हेलन गांव में क्या हुआ था कि घसियारी महिलाओं के साथ ज़्यादती प्रशासन ने की थी और उनको बकायदा कई घंटों तक कैद भी कर दिया था। तो उसके आक्रोश में यह रैली आज यहाँ नैनीताल में भी हेलन एकता मंच के बैनर तले सभी संगठन यहाँ पर आज आए हैं और ये आज है कमिश्नरी कोच का ये कार्यक्रम है। थैंक यू सर आपका। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। अभी हूँ मैं नैनीताल में और आज है नंदा देवी महोत्सव का फर्स्ट डे और चलते हैं मंदिर की ओर। कैसी तैयारियाँ चल रही है वहाँ पर वो देखते हैं। तो आज जो है केले का पेड़ वगैरह लेने गए हैं तो वो आ जाएगा, उसके बाद पूजा वगैरह होगी। और पूरी मार्केट में लाइटें लग चुकी हैं तल्ली ताल से मल्ली ताल तक। और फटाफट आपको लेके चलते हैं मंदिर के पास और जहाँ पर मेला लगेगा ग्राउंड पे वहाँ भी चलेंगे। तो फटाफट चलते हैं। और आज नैनीताल का वेदर जो है काफ़ी अच्छा है, धूप आई है सुबह से ही देख सकते हैं और टूरिस्ट भी काफ़ी है आज नैनीताल में, ये देखिए। और चलते हैं यहाँ से नैना मंदिर के पास। ये तैयारियाँ चल रही है मेन गेट माल रोड का, ये माल रोड पर हैं हम अभी और माल रोड में एक गेट बना हुआ है तो आगे को चलते हैं। और तो आज यहाँ से सारे ठेले वाले हटा दिए हैं और क्योंकि नंदा देवी महोत्सव स्टार्ट हो चुका है, 7 दिन तक यहाँ पर दुकानें नहीं लगेंगे जब तक आदेश है प्रशासन का, तब तक तो दुकानें नहीं लग पाएंगी यहाँ पे। और जल्दी ये जो ठेले खड़े हैं यहाँ पे सामान छोड़ के गए हैं ये भी हटाए जाएंगे क्योंकि अभी अलाउंस हो रहा था कि ये सारे हटाएंगे इनको करके। ये देखिए नैनीताल का व्यू कितना प्यारा आ रहा है अभी क्योंकि मौसम अच्छा है ना, तो इसलिए काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है नैनीताल का। अभी हम पहुंच गए हैं तिब्बती मार्केट पे जो कि आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छे अच्छे जैकेट वगैरह आए हुए हैं नैनीताल में। देखिए कितनी प्यारी लग रही है दुकानें। और ये देखिए पोस्टर, गिफ्ट सेंटर है और जैकेटें यहाँ 12 मास जैकेटें बिकती हैं नैनीताल में। और ये एक पंडाल बना रखा है यहाँ पे। बाकी आगे को चलते हैं नंदा देवी मंदिर की ओर। प्रसादी वगैरह के लिए पहले से पैकिंग हो गई है यहाँ से प्रसाद वगैरह लेके। और ये है नंदा देवी मंदिर और चलते हैं अंदर को। और शासन प्रशासन पूरे तैयारी पे है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, और पूरी पुलिस फोर्स लग चुकी है रास्ते में। और ये हनुमान जी का मंदिर है सामने। अंजनी पुत्र पवन हनुमान जी के दर्शन। हे कृपा हे दया के सागर, कृपा करना। गणेश जी की मूर्ति है, हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ पर है। और चलते हैं हैंड वॉश कर लो। और ये है नैना देवी मंदिर का। बाकी मंदिर और चलते हैं यहाँ से। फिलहाल हम मंदिर से आ चुके हैं और हमने वहाँ पर पता किया था कि केले का पेड़ कब तक आएगा करके, तो केले का पेड़ जो आएगा वो कल को आएगा। तो फिलहाल हम जा रहे हैं अभी ग्राउंड की ओर और इधर खाने पीने की पूरी व्यवस्था रहती है। इस साइड में खाने का ही है पूरा और जो साइड में इसमें कपड़े मिलेंगे आपको। और चलते हैं ग्राउंड पे, वहाँ पे मेले की तैयारी हो रही है।
कितनी तैयारियाँ हो गई हैं वो देखते हैं। मुझे तो ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था वहाँ पे, तो फिर भी देखते हैं कितनी तैयारियाँ हो रही हैं। मेले की तैयारियाँ स्टार्ट हो चुकी है और ये गेट बना हुआ है, चलते हैं आगे को। ये देखिए भूत बंगला भी बन गया है यहाँ पे, और ये ट्रेन वाली ड्रैगन ट्रेन। बाकी ये देख सकते हैं पूरे परसों उस साइड में लगा था, लास्ट में लगा था, आज ये दो काउंटर और बढ़ गए हैं। मतलब जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये दो और बढ़ गए हैं पिछली वीडियो से। बाकी ये झूले वगैरह तैयार हो रहे हैं अभी, ये देख सकते हैं जैसे कि आप। ये बच्चों के लिए फिश वाली गोल राउंड वाला है, और बाकी मौत का कुआं वगैरह लग चुका है, झूला ऊपर लग गया है, अभी सेटिंग हो रही है, देख सकते हैं जैसे कि वहाँ पे काम चल रहा है। तो आज शाम तक ये पूरा फाइनल कर देंगे, जैसे नीचे रखें खाली लगाने हैं, तो आज शाम तक हो जाएगा पूरा। और ये देखें ब्रेक डांस भी अवेलेबल हो चुका है यहाँ पे, काफ़ी अच्छी तैयारी हो रही है, और स्पेस भी काफ़ी छूटा हुआ है। देखिए स्पेस काफ़ी है चलने के लिए लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा ग्राउंड है ये। ये मौत का कुआं पूरा रेडी हो चुका है, बाकी ये देख सकते हैं बाहर का व्यू। और सामान पूरा आ चुका है, देखिए पूरे गोरू में भर भर के आया है सामान ये, और खाली इनको ये सेट कर रहे हैं, और उसके बाद पूरा सामान लग जाएगा इसमें। ये देखिए क्या दिखा रहे थे, ओ ये आ गए बाहुबली बाहुबली और खाने पीने की व्यवस्था तो हो गई है पूरी, पकौड़ियाँ वगैरह बन चुकी हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। इधर भी खाने पीने की पूरी व्यवस्था हो गई है, खाने पीने में ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है ना, तो फटाफट हो जाता है, तो वो चीज़ें लग गई हैं यहाँ पे। ये देखिए टीन के बने हुए हैं और काफ़ी मजबूत होगा, काफ़ी मजबूत है ये देखिए। और ग्राउंड में काफ़ी जगह बची है अभी, और साथ में फुटबॉल मैच भी चल रहा है बच्चों का, ये देखिए। तो गाइज आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी तैयारियां चल ही रही है, और नैनीताल का मौसम जो रहा काफ़ी अच्छा हो रहा है आजकल, ताल में काफ़ी अच्छा लग रहा, और क्योंकि भीड़ वगैरह भी है और नंदा देवी महोत्सव भी है, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है यहाँ पर। तो आप लोग भी आइए नैनीताल का भी। इसी के साथ ये ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी अगले ब्लॉग पे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जल्दी मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय। ये है चीना बाबा मंदिर यहाँ पे, और आज हमारे मित्र की भी एक फ़ोटो लगी है शुभम कुमार की, और पूरी मार्केट सज चुकी है ऊपर से। ये मोहनको के पास मैं भी, तो यहाँ पे सारी दुकानें सज गई हैं, लाइट वगैरह लग गई है ऊपर, तो चलते हैं नीचे। और जगह जगह पे गेट बन चुके हैं, जैसे कि मार्केट की एंट्री है तो एंट्री से भी गेट बन गया है, और नीचे को चलते हैं और आगे को और कैसा हो रहा। और माला वगैरह सारे सजावटें हो गई है यहाँ, और प्रकाश हमारा वेट कर रहा है सामने, चलते हैं आगे को। कपड़ा आजा।